आज का दिन हम सिंधी सकाफत के डे के तौर पे मना रहे हैं। वो संडे था लेकिन हमारे पास ज़ाहिर है इस वक्त हमने कोई ऐसा डे अरेंज किया और हम पेशेंट्स को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाह रहे, इसलिए आपको नज़र आ रहा होगा हमने कोई ऐसा बड़े लाउड स्पीकर का या कोई हमने गानों का इहतमाम नहीं किया। सादगी के साथ हम इसको मना रहे हैं। हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं इसके ज़रिए सबको कि हमारा सिंध का कल्चर जो है उसको हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, लोगों तक पहुँचे हमारी सकाफत क्या है। और आज के दिन ख़ास तौर पर सिंध धरती के लिए, सिंध माँ के लिए, जिसने हमको, हम यहाँ पर जन्म लिया हमने और यहीं हमको इंशाल्लाह ताला दफन होना है, और इसके लिए इसने तो हमें बहुत कुछ दिया लेकिन हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। मेरा मैसेज सबके लिए ये है कि अब हमारी बारी है, अब हमारा पे बैक करने की बारी है कि हम सिंध को क्या दे सकते हैं और पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं। ज़ाहिर सिंध और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है, कोई अलहदा नहीं है, लेकिन हमेशा हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम सिंध धरती के लिए, अपनी माँ के लिए और अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करके जाएँ। शुक्रिया। लतीफ़ साईं सभी ये दुआओं कई वन तो साई सदाई सिंध मथे करी सुकार दोस्तों दिलदार आलम सब आबाद करी। असा जेके भी रिमोट एरियाज का इतने कम कर आया हिंसर माशाला एडमिनिस्ट्रेशन के उदन से आयु तो अस चूं था इतने जेके भी रिमोट एरियाज का जेके पेशेंट अचन था या सिंध धरती अचन था वो उनको कर्ज अस मुकम्मल तरीके से ला सकूँ तो अस 24/7 सिंध धरती वासन ला खिदमत ला वेठा हूँ। सिंधी कल्चरल डे का यहाँ इतमाम किया, इनके शुक्रगुजार भी हैं। और सिंध की जो ज़मीन है वो सूफियों की ज़मीन है, यहाँ पे हमारे बहुत ही मशहूर हस्तियाँ यहाँ गुजरी हैं जिसमें शाह लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह, लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह और बहुत सारे जो सूफी यहाँ गुजरे हैं, उन्होंने हमेशा अमन का और मोहब्बत का दर्ज दिया है। सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर रुख कैंप हाउस सिविल हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन के पारा सकाफत जो दिहाड़ो मल्हायो पियो वञे। इन खां अग में असा नंढा नंढा ग्रुप्स पैंजे तौर ते मल्हाईंदा रहा आहिनि, पर सिविल हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन के पारा ही पहिरियों भेरो आहे। असांखे हर पासे कल्चर जा निशान नज़र अचनि था, अजरकूं पातल आहिनि, माण्हुनि खे टोपियूं पातल आहिनि अजरकनि सां औरतूं या फिर या हिन सां ईअं आहे त असां पंहिंजी सकाफ़त खे, सिंधी पंहिंजे कल्चर खे अवेयर कयूं था, दुनिया खे ॿुधाइणो आहे त ही मुहबत जो पैगाम आहे उहो सॼी दुनिया में फैलाइणो आहे। हमने इस टोपी अजरक की इज़त को रखना है, हमने सिंध धरती के नाम को रखना है। सिंध धरती का नाम है मोहब्बत, इसकी सकाफत है कुर्बानी। हमेशा से सिंध ने कुर्बानियाँ दी हैं, अपने मोहब्बत का सबक दिया है, इत्तेहाद इत्तफाक का सबक दिया है। और इस अजरक डे के मौके पर हम लोगों को मोहब्बत का पैगाम देते हैं कि लोग एक प्लेटफार्म पर आ जाएं और एक कलमे की बुनियाद पर एक दूसरे से मोहब्बत करें और अपने मुल्क, अपने सूबे, अपने दीन का प्रचार करेंगे।